आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इसके पहले के वीडियो हमने जो है वो दमा के बारे में डिस्कस किया था, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, यहाँ तक कि आपके दैनिक जीवन में भी जो होता है, दमा को जानना बड़ा जरूरी है वो, क्योंकि जब आप जानते रहेंगे तभी इसका किसी को ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उससे जो होता है हम निदान पा सकते हैं। तो आज हम नया टॉपिक लेके आते हैं, इम्फाइसिमा। इम्फाइसिमा को जो होता है इसको हम वात स्फीत कहते हैं। वो इम्फाइसिमा जो होता है यह, इसे हम वात स्फीत भी कहते हैं, और यह एक अस्थाई व कभी ना ठीक होने वाली, माने क्रोनिक और इनक्यूरेबल, इसको कहते हैं क्रोनिक एंड इनक्यूरेबल। क्रोनिक माने होता है, माने दीर्घकाल तक जो है वो, और इनक्यूरेबल माने कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, और जिसमें मानव के फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई होती है, और उसे क्या कहते हैं, उसे एल्बुलाई कहते हैं। एल्बुलाई या कोपिका कहलाती जो है वो, एक कोपिकाएं जो होती फैल जाती है वो, और इसमें या इसमें जो होता सूजन आ जाता है, माने कोपिकाएं जो होती हैं फैल जाती हैं और इसमें सूजन आ जाता है, माने स्वेलिंग उसको बोलते हैं वो, या जो होता है कड़फट जाती है वो, जिससे गैसों के विनिमय के लिए बच्चों जो होता है क्षेत्रफल कम हो जाता है, माने गैस के विनिमय के लिए जो होता है, इसमें क्या होता है, गैस का विनिमय माने गैस का आदान प्रदान, माने वो टू ले और सी टू क्या करे, बाहर करे, इसको क्या कहते हैं, गैस का विनिमय कहते हैं। माने जब हम सांस अंदर खींचते हैं, ऐसे सांस अंदर खींचते हैं वो, तो सांस पूरी बाहर जाती है वो, और उसके बाद हम सांस को बाहर निकालते हैं वो, जब सांस अंदर खींचते हैं वो, इसका टाइम 2 सेकंड का होता है वो, और जब सांस बाहर निकालते हैं इसका टाइम जो होता है 3 सेकंड का होता है, माने टोटल जो ब्रीथिंग टाइम होती है वह जो होता है 3 × 5, माने 3 मिनट का जो होता है, 3 सेकंड का जो होता है वह क्या बोलते हैं जो है वो, 2 और 3 माने 5, तो टोटल जो होता है 5 सेकंड टाइम होता जो है वो, माने एक बार सांस अंदर खींचते हैं वो, और 2 सेकंड का होता है वो, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो 3 सेकंड का होता है वो, तो टोटल जो होता है ये 5 सेकंड का, माने कि ब्रीथिंग रेट होता जो है वो। अब होती है कि इस केस में क्या होता है कि गैस, इसमें क्या होता है कि क्षेत्रफल कम हो जाता है जो है वो, और गैस विनिमय की दर कम हो जाती है, और यह प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को हम जो होता है इम्फाइसिमा कहलाता है, और इम्फाइसिमा जो होता है बड़ा खतरनाक रोग है वो, और इसके बाद फेफड़ों का लचीलापन, माने फेफड़ों का लचीलापन या इलास्टिसिटी जो होती है कम हो जाती है वो, और जिससे उच्छ्वसन में लगने वाला बल जो होता है कम हो जाता है वो, और रोगी में जो होता है श्वासावरोध, माने सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, उसे क्या कहते हैं, श्वासावरोध कहते हैं जो है वो, हो जाता है वो, और खांसी, इसमें खांसी भी हो सकती है वो, खांसी, और इसके अलावा गैसों का विनिमय कम होने से हृदय और मस्तिष्क में जो होता है कम ऑक्सीजन पहुंचती है, माने बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपका हार्ट एक होता जो है वो, हार्ट एक होता है और ब्रेन जो होता है, तो हार्ट और ब्रेन में जो होता है कम O2 की मात्रा जो होती है बच्चों पहुंचती है वो, और इससे जो होता है हृदय तीव्रता से कार्य करता है, माने हमारा हृदय जो होता है वह तीव्रता से कार्य करता है वो, और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी से, मस्तिष्क में ऑक्सीजन कमी से व्यक्ति जो होता है डिप्रेशन, माने व्यक्ति जो होता है डिप्रेशन या अवसाद, सुस्ती और बेचैनी अनुभव करता है, माने क्या मतलब कि मस्तिष्क में जब O2 कम मात्रा पहुंचती है तो बहुत सारे प्रचू की O2 मेन होता है, O2 माने ऑक्सीजन गैस जो होता है मुख्य होता जो है वो, उसको नियमित जो होता है शरीर में पहुंचना चाहिए प्रत्येक अंग में जो है वो। अब होती मस्तिष्क में O2 की कमी से जो होता है व्यक्ति डिप्रेशन, माने अवसाद, सुस्ती और इससे बेचैनी अनुभव करता, माने 3 प्रॉब्लम होती है, माने अवसाद,
सुस्ती और वह बेचैनी को अनुभव करता है। और नियमित व्यायाम माने अगर हम रेगुलर व्यायाम करते हैं, अवसर लेते हैं तथा इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ साथ अगर धूम्रपान जो होता है, जैसे धूम्रपान से फैलता है ये, तो धूम्रपान को छोड़ दें जो है वो, तो वात स्फीति को जो होता है इससे रोका जा सकता है। माने क्या मतलब कि विभिन्न प्रकार की जो होता है व्यायाम, अगर हम व्यायाम करते हैं सुबह शाम, जो सुबह शाम वैसे भी व्यायाम बहुत जरूरी होता है, वो प्रत्येक मनुष्य को सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए। जब हम व्यायाम करेंगे तो हमको क्या होता है, जो होता है आराम मिल जाता जो है वो, और बॉडी को जो होता है रिलैक्स मिल जाता, आराम मिलता है वो। और व्यायाम जो होती है अनेक रोगों की जो होती है वो मूलजड़ होती जो है वो। तो अब आती है कि व्यायाम, औषधि और अतिरिक्त आसन के साथ साथ, मन की आसन के साथ साथ जो होता है धूम्रपान छोड़ करके बढ़ते हुए जो होता है वात स्फीत को, माने बढ़ते वात स्फीत को रोका जा सकता है वो। और वात स्फीत का प्रमुख कारण जो होता है सिगरेट व धूम्रपान होता है। माने वात स्फीत का जो मुख्य कारण होता है वह सिगरेट होता है वो। सिगरेट अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या धूम्रपान कर रहा है तो उसको इम्फाइसिमा बिल्कुल होना तय है जो है वो, इसलिए हमको जो है सिगरेट और धूम्रपान को रोकना होगा। माने इसको बचाने के लिए जो होता है, माने कि धूम्रपान क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा जो है वो, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसको परीक्षाओं में जो होता है इसको पूछा जाता है। इसको लाइक करना भूलिएगा, धन्यवाद। हाँ बच्चों, तो इम्फाइसिमा जो होता है वह उसको हम जैसे बताया हमने कि सिगरेट के जो स्मोकर्स होते हैं उसमें इम्फाइसिमा जो होता है वह एक जन मतलब कि आम प्रॉब्लम होती है वो। इम्फाइसिमा से आपको जो होता है बचे रहना है। तो अब होती है कि अगला आता है प्लूरिसी रोग, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट रोग, प्लूरिसी जो होता है वह बच्चों में बहुत ही खतरनाक रोग होता है, उसको कहते हैं प्लूरिसी रोग कहते हैं जो है वो। अब होती है कि प्लूरिसी जो रोग होता है तो एक फेफड़ों का माने फेफड़ों का एक रोग होता है वो। अब होती है वायरस या जीवाणुओं के संक्रमण से, माने विषाणु या जीवाणु के संक्रमण से फेफड़ों की दीवार में पाई जाने वाली जो होती है प्लूरल गुहा माने प्लूरल कैविटी में जो होता है तरल एकत्र हो जाता है। माने कि वायरस या जीवाणुओं के संक्रमण से फेफड़ों की दीवार में जो है वो पाए जाने वाली प्लूरल गुहा में जो होता है वह तरल एकत्र हो जाता है वो, और इससे श्वसन में कठिनाई होती है वो। तो इसको क्या कहते हैं, उसे हम प्लूरिसी रोग कहते हैं वो। तो माने क्या मतलब, जैसे आपका फेफड़ा होता है वो, तो फेफड़े के चारों ओर जो होती है वो क्या होती है प्लूरल मेम्ब्रेन होती जो है वो, और इसी बीच में क्या होता है इसमें एक द्रव भर जाता जो है वो। अच्छा, खाली स्थान जो होता है इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं वो, और इसी में कभी कभार क्या होता है द्रव भर जाता जो है वो। तो जब द्रव भर जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती जो है वो, और तो डॉक्टर क्या काम करता है इसको जो होता है माने कि इसको जो होता है सिरिंज द्वारा जो होता है इस द्रव को निकाल देता जो है वो। तो एक रोग जो होता है बस इसमें क्या है कि जो यहाँ पानी भरा हुआ कहते हैं फेफड़े पानी भर गया है वो, तो क्या करता है इसको जो होता है इस पानी को निकाल देता है वो, और इसे क्या कहते हैं इसे हम प्लूरिसी रोग कहते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है प्लूरिसी रोग। तो क्या होता है कि और यह विषाणुओं और जीवाणुओं के संक्रमण से होता है, माने जीवाणु और विषाणु के संक्रमण से बच्चों जो होता है ये रोग हो जाता जो है वो। अब होती है अगला होता है ब्रोंकाइटिस रोग, नेक्स्ट होता है ब्रोंकाइटिस रोग। तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है वो, या इसे हम श्वसनी शोथ कहते हैं जो है वो, श्वसनी शोथ या जो होता है इसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं जो है वो। तो अब जब श्वसन नली में माने जब श्वसन नली होती है जैसे कि इसको क्या कहते हैं ट्रेकिया या विंड पाइप होता है वो,
और ये क्या होता है ब्रांकाई, और अगला जो होता है ब्रांकियोस होता जो है वो। तो अब होती है कि इसमें क्या होता है, जब श्वसन नली में पाई जाने वाली श्लेष्म नलिकाएं वाली कोशिकाओं में, श्लेष्म नलिकाओं वाली कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, तो उस रोग को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। माने वो जो रोग होता है उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं जो है वो। अब ब्रोंकाइटिस में खांसी ज्वर और शरीर में भयंकर दर्द होता है। माने खांसी होती है और बुखार होता है, तथा जो होता है शरीर में बहुत तेज दर्द करता जो है वो ब्रोंकाइटिस रोग में जो है वो। तो श्वसन नली में पाए जाने वाली श्लेष्म नलिकाएं जो होती हैं, तो बच्चों ने आज के लिए पर्याप्त सुनाने के लिए बोली, धन्यवाद।